हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक स्वीट डिश लेके आई हूँ जो बहुत जल्दी, बहुत आराम से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। और ये रेसिपी आपका जब भी दिल करे आप इसे बना सकते हैं, और इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है फिरनी। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए आधा कटोरी चावल, और जितने चावल लेना है उतनी ही हमें चीनी चाहिए। तो आधा कटोरी हम चीनी लेंगे। चावल को फ्रेंड्स हम 2-3 घंटे के लिए पानी में इस तरीके से भिगो के रख देंगे। और गार्निश के लिए हमें चाहिए पिस्ता, और दूध में फ्लेवर के लिए हमें चाहिए इलायची। अब फ्रेंड्स, हमें चाहिए मोटे तले का बर्तन। आप चाहें तो मोटे तले वाला आप कढ़ाई ले सकते हैं, या फिर पतीला। मैंने पतीला लिया है, और इसके अंदर 1.5 लीटर दूध मैंने गर्म करके डाला है। अब फ्रेंड्स, इसको हमें फुल गैस के ऊपर इसी तरीके से रखना है। जब तक हमारा दूध गर्म होता है, तब तक हमें क्या करना है, जो हमने चावल भिगो के रखे थे उनको इस तरीके से छलनी से छान लेंगे पानी सारा निकाल के। और अब हम इसको मिक्सी ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे। और फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा दूध इसमें डालेंगे, और दूध हमें चाहिए ठंडा दूध, करीब आधा गिलास से भी थोड़ा कम, कि हमारा पेस्ट बन के तैयार हो जाए। इतना दूध हमें ऐड करना है, और फाइन पेस्ट में हमें इसको बनाना है। फ्रेंड्स, जितना फाइन पेस्ट बनेगा उतनी अच्छी हमारी फिरनी बनेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से फाइन पेस्ट बन के तैयार कर लिया है। अब हमें जो हमारा दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है उसमें इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ध्यान रहे, एकदम से सारा पेस्ट नहीं डालना है। अगर हम एकदम से डालेंगे तो गाँठें बन सकती हैं, लम्ब्स बन सकते हैं, जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, और करछी चलाते रहना है ताकि गाँठें ना पड़े। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें जब तक हमारी पूरी रेसिपी तैयार नहीं होती तब तक हमें करछी चलाते ही रहना है। और ये 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस तरीके से आपको करछी चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे, और नीचे और साइड से हमें मलाई को उतारते रहना है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें फुल क्रीम दूध ही लेना है। जितना फुल क्रीम दूध होगा उतनी हमारी टेस्टी फिरनी बनेगी। अब इसके अंदर मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है, और इसको इसी तरीके से चलाते रहना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना आप ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। अभी फ्रेंड्स, ये हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो रहा है। अब इसके टाइम पे हमें डालना है चीनी। इसमें चीनी डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस तरीके से हमें इसको चलाते रहना है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब फ्रेंड्स, इसमें मैंने केसर एक कटोरी में 5 से 6 स्ट्रिप्स केसर के मैंने पानी में भिगो के रखे थे, कलर अच्छा इसमें देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अभी केसर ऐड किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और फ्लेवर टेस्ट तो ऑब्वियसली केसर है तो बहुत अच्छा दिखता है, और टेस्ट भी अच्छा आता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर चेंज हो गया है। और अभी हमें इसको मीडियम या फुल गैस के ऊपर इसी तरीके से चलाते रहना है थोड़ी देर और, बस ये बहुत जल्दी बन जाएगी अभी हमारी। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है क्योंकि इसमें चावल है। तो चावल अभी जो हमने फाइन पेस्ट बनाया था उससे क्या होगा, जो चावल के बारीक बारीक फाइन दाने हैं ना, वो अब इसमें फूल गए हैं, पक गए हैं। तो वो खाते टाइम बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और एकदम अलग सा लगते हैं, बारीक बारीक दाने लगते हैं। फ्रेंड्स, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जो भी मेरी वीडियोस नेक्स्ट आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, और आप मेरी वीडियो को जल्दी से देख पाए। इस तरीके से हमें थोड़ी देर के लिए इसको और ऐसे ही चलाना है। आप देखिए फ्रेंड्स, ये गाढ़ा हो गया है काफी। अब हम इसको थोड़ी देर और इसी तरीके से चलाएंगे करछी को, ताकि नीचे ना लगे।
फ्रेंड्स बर्तन मोटे तले का ही लेना, नहीं तो हमारी ये फिरनी नीचे लग सकती है और टेस्ट सारा खराब हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि ये अभी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब फ्रेंड्स इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। देख रहे हैं ठंडा होने के बाद ये गाढ़ी हो गई है, ये बहुत अच्छी लगेगी। अब इसको आप गार्निश कीजिए पिस्ता से और इसे आप फ्रीजर में थोड़ी देर रख दीजिए या फिर फ्रिज के अंदर। फ्रेंड्स जितनी चिल्ड ये फिरनी होगी उतना ही टेस्टी ये लगेगी। और अगर इसको आप फ्रीजर में थोड़ी देर और रख देंगे तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आइस सा जम जाएगा, तो आइसक्रीम जैसा टेस्ट आएगा आपको। ये फिरनी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।